हाँ देखिए क्या डिस्कस कर रहे थे हम, इन द शॉर्ट किट इफेक्ट इक्वल अमाउंट ऑफ कैटायन एंड एनायंस आर मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल लैटिस साइट एंड सच काइंड ऑफ सॉलिड डिक्रीजेस द डेंसिटी, सच काइंड ऑफ डिफेक्ट डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। इक्वल अमाउंट में क्या हुआ, कैटायन और एनायन मिसिंग हो गए, जैसे यहाँ से क्लोराइड आयन मिस कर दिया, यहाँ से मैंने सोडियम आयन मिस क्या कर दिया, रिमूव कर दिया। तो इक्वल अमाउंट में जब कैटायन और एनायन मिसिंग होंगे सो दैट इज अ काइंड ऑफ प्योर टाइप ऑफ अ प्योर वैकेंसी डिफेक्ट, और आपके कंस्टिट्यूएंट आयन्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, तो दैट इज अ वन ऑफ द डिफेक्ट विच डिक्रीजेस द डेंसिटी ऑफ सॉलिड। एक तरीके का डिफेक्ट जो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से सॉलिड की डेंसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अब इस तरीके का डिफेक्ट उन आयनिक सॉलिड्स में फाइंड होता है जिनमें कैटायन और एनायन की साइज क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है, क्या होती है, ऑलमोस्ट सेम होती है। सो दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट इज बेसिकली फाउंड इन दोज कैटायन एंड एनायन और इन दोज आयनिक सॉलिड इन विच कैटायन एंड एनायंस आर ऑफ सेम साइज एंड दे हैव हाई वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। उनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होगा वो क्या रहेगा, हाई रहेगा। तो ये पॉइंट मैं यहां लिख रहा हूं, दिस काइंड ऑफ डिफेक्ट फाउंड इन दोज आयनिक सॉलिड इन विच कैटायन एंड एनायन आर ऑफ इक्वल साइजेस एंड आयन हैव हाई वैल्यू ऑफ कोऑर्डिनेशन नंबर। और किस तरीके के आयनिक सॉलिड में ये फाइंड होता है, जैसे मैंने यहां बनाया हुआ है सोडियम क्लोराइड, सीजियम क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, दीज आर द सर्टेन काइंड्स ऑफ आयनिक सॉलिड इन विच शॉर्टकी डिफेक्ट इज फाउंड, पोटेशियम क्लोराइड, ये कुछ ऐसे सॉलिड है जिनके अंदर ये डिफेक्ट फाइंड होता है। इज इट क्लियर, समझ में आया शॉर्टकी डिफेक्ट? समझ में आया डिफेक्ट? नेक्स्ट है फ्रेंकल डिफेक्ट। दूसरा जो डिफेक्ट है वो क्या है, फ्रेंकल डिफेक्ट। सो इन द फ्रेंकल डिफेक्ट इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। कैसा डिफेक्ट है, वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट। अब इस डिफेक्ट में क्या होता है, आपका एक पर्टिकुलर आयन उसके एक्चुअल साइड से क्या हो जाएगा, डिसलोकेट हो जाएगा एंड इट विल बी ट्रांसफर टू इट्स इंटरस्टीशियल साइड। मतलब क्या होगा, अपनी एक्चुअल लैटिस साइड से मिस हो जाएगा और उसकी जगह कहां आ जाएगा, वो उसकी इंटरस्टीशियल साइड में आ जाएगा। जैसे देखिए जैसे मैंने लिया सिल्वर 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 आयन सिल्वर आयन सिल्वर आयन सिल्वर आयन सिल्वर आयन और यहाँ आपके हैं क्लोराइड आयन क्लोराइड 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 क्लोराइड। किस तरीके का आपका आयनिक सॉलिड है, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये क्लोराइड आयन यहां से मिस हुआ और यहां आ गए, तो कैटायन इज डिसलोकेट फ्रॉम इट्स एक्चुअल लैटिस साइड एंड ट्रांसफर टू इट्स इंटरस्टीशियल साइड। सो यहां वैकेंसी भी क्रिएट हो गई और ये पार्टिकल यहां से उठकर यहां आ गया तो इंटरस्टीशियल साइड में भी आ गया, तो इट इज अ टाइप ऑफ वैकेंसी एज वेल एज इंटरस्टीशियल डिफेक्ट।
वैकेंसी डिफेक्ट भी है, साथ साथ में कैसा है इंटरस्टिशियल डिफेक्ट है, बट इस डिफेक्ट से सॉलिड की डेंसिटी चेंज नहीं होती, डज नॉट अफेक्ट डेंसिटी ऑफ सॉलिड, सॉलिड का डेंसिटी चेंज नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ये पार्टिकल यहां से उठकर यहां आ रहा है, तो कोई भी पार्टिकल मिसिंग नहीं है। Now this kind of defects are found in a those kind of ionic solid in which cation and anion have a large difference in their size. Cation और anion की size में बहुत ज्यादा difference होता है और जिनके coordination numbers क्या होते हैं low होते हैं, क्या होते हैं low होते हैं। इस तरीके का defects जो Frankel defect होता है वो उस तरीके के ionic solids में क्या होता है find होता है। तो this kind of defect found in those ionic solid which have large difference in the size of cation and anion and cation and anion have low value of coordination number. Cation और anion की coordination numbers क्या होते हैं? Low रहते हैं. Example, silver chloride, silver iodide, zinc sulfide. These are the certain ionic solid in which Frankel defects is formed. So these are the types of stoichiometric defect. Is it clear? समझ में आया ये डिफेक्ट? वंदन क्लियर है? वंदन समझ में आया? नाउ नेक्स्ट इज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। पहले ऑलरेडी मैं इसका डेफिनेशन डिस्कस कर चुका हूं कि इस तरीके के डिफेक्ट जब सॉलिड्स में आइडेंटिफाई होंगे फाइंड होंगे ये सॉलिड क्या करेंगे, ये डिफेक्ट्स जो है वो सॉलिड की स्टोइकोमेट्री को क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। सो नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स आर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसा कि नाम है कि इसमें आपके जो पॉजिटिव आयन होंगे, मेटल आयन्स होंगे, दे आर इन एक्सेस अमाउंट। नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में आपके मेटल आयन जो होंगे वो एक्सेस अमाउंट में होंगे, तो कैटायन और एनायन का जो रेशियो होगा वो अल्टर हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में क्या है, मेटल आयन जो होंगे वो नेगेटिव आयन के कंपैरिजन में क्या होंगे, लेसर रहेंगे, तो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किया है फर्दर, ये है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मतलब जो नेगेटिव आयन है वो अपनी एक्चुअल क्रिस्टल साइड से क्या हो रहे हैं, मिसिंग हो रहे हैं, और उसकी वजह से मेटल जो आयन है वो एक्सेस अमाउंट में आ गया, जबकि दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, कुछ एक्स्ट्रा कैटायन इंटरस्टीशियल साइट में सेटअप हो जाएंगे जिसकी वजह से मेटल क्या हो जाएंगे, एक्सेस अमाउंट में हो जाएंगे, तो दैट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। तो हमारे पास तीन तरीके के नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट्स हो गए, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन एंड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। सो वन बाय वन हम इन सबको डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहला है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी।
मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायनिक प्रेजेंस। जैसा कि मैंने बताया कि ये एक तरीके का नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट है, तो इसमें कैटायन और एनायन का जो एक्चुअल रेशियो लैटिस साइड में होगा वो कुछ डिफरेंट रहेगा, उनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में जो रेशियो है उससे डिफरेंट रहेगा। अब यहाँ इस डिफेक्ट के अंदर मेटल आयंस जो है वो एक्सेस अमाउंट में है। व्हाई दे आर इन एक्सेस अमाउंट? बिकॉज रेस्पेक्टिव नेगेटिव आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल लैटिस साइड एंड देयर स्पेस इज ऑक्यूपाई बाय द इलेक्ट्रॉन्स। उनका जो स्पेस है वो कौन ऑक्यूपाई कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन्स ऑक्यूपाई कर रहे हैं, क्योंकि जब नेगेटिव आयन अपनी एक्चुअल लैटिस साइड से मिसिंग हो जाएंगे तो नेगेटिव आयन की डेफिशिएंसी क्रिएट होने की वजह से आपका चार्ज इम्बैलेंस हो जाएगा। तो उस चार्ज को कंट्रोल करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, उन एनायन की प्लेसिंग को कौन ऑक्यूपाई कर लेगा? इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई कर लेगा। नाउ वी आर डिस्कस दिस डिफेक्ट बाय ए सुटेबल एग्जाम्पल की हीटिंग ऑफ सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स विथ सोडियम वेपर। तो जब सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल्स को हम क्या करेंगे? हीटअप करेंगे। सो दे विल फॉर्म सोडियम आयन एंड क्लोराइड आयन। नाउ द क्लोराइड आयन आर मिसिंग फ्रॉम देयर एक्चुअल लैटिस साइट एंड देयर स्पेसेस इज ऑक्यूपाइड बाय द इलेक्ट्रॉन्स विच आर प्रोड्यूस्ड बाय सोडियम आयन। ये जो सोडियम वेपर है, ये सोडियम वेपर क्या होगी? जैसे हीटअप होगी तो इट विल प्रोड्यूस सोडियम आयन एंड इलेक्ट्रॉन्स, और ये जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे ये इलेक्ट्रॉन्स क्लोराइड आयन के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लेंगे। और ये जो सोडियम आयन है और ये जो क्लोराइड आयन है, ये दोनों एक दूसरे से वापस रिएक्ट करके अगेन सोडियम क्लोराइड बनाएंगे विच इज येलो इन कलर। तो जैसे ही सोडियम क्लोराइड की सोडियम वेपर से रिएक्शन होगी तो ये कैसा हो जाएगा? येलो कलर का। और येलो कलर का फॉर्मेशन किसकी वजह से हुआ? ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। देखिए किस क्या हो रहा है, एक्चुअल में मैं आपका ये लैटिस साइड फॉर्म कर रहा हूं, ये एक्चुअल लैटिस साइट है देखिए, जिसके अंदर क्या है? सोडियम आयन है, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, ये सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, सोडियम आयन, और ये क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड आयन, क्लोराइड, और ये क्लोराइड। अब क्या हो रहा है, जैसे ही आप इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो इसके जो क्लोराइड आयन है वो इसके एक्चुअल साइड से मिसिंग हो जाएंगे, और इसके नेगेटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन्स इनको ऑक्यूपाई कर लेंगे। यहाँ क्या आ जाएंगे? इलेक्ट्रॉन्स। सो द स्पेस फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इन स्पेसेस को हम क्या बोलेंगे? इन स्पेसेस को आप क्या बोलेंगे? ये जैसे क्लोराइड यहां से गया, ये इलेक्ट्रॉन फिर यहां आ गया। सो दीज स्पेसेस विच आर फिल्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम क्या बोलेंगे? एफ सेंटर्स। क्या बोलेंगे? एफ सेंटर्स। एंड दीज एफ सेंटर्स आर रेस्पॉन्सिबल फॉर द कैरेक्टरिस्टिक कलर ऑफ द सब्सटेंस फॉर्म। जो क्लोराइड आयन अपने एक्चुअल साइड से मिस हो गए हैं और जिसकी जगह पर क्या आ गए हैं? इलेक्ट्रॉन्स। जिन ब्लैंक स्पेसेस को इलेक्ट्रॉन ने फिल कर दिया है, तो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस की वजह से आपका ये जो क्रिस्टल है ये कलर्ड हो गया। अब देखिए इस एक्चुअल क्रिस्टल लैटिस में क्या हो गए? मेटल आयन एक्सेस में है, आपका क्रिस्टल न्यूट्रल है क्योंकि नेगेटिव चार्ज को इलेक्ट्रॉन बैलेंस कर रहे हैं, लेकिन आपके मेटल एटम जो है वो एक्सेस में हो गए। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट। और यहां देखिए जब हम इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर सोडियम आयन और क्लोराइड आयन के नंबर्स का रेशियो कैलकुलेट करेंगे तो ये रेशियो उनके एक्चुअल रेशियो से क्या होगा? डिफर आएगा। एक्चुअल रेशियो क्या है? 1:1 है, लेकिन इसमें रेशियो क्या आ जाएगा? देखिए सोडियम आयन कितने हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी, और यहाँ कितने हैं?
एक दो तीन चार, चार पांच, पांच क्लोराइड आए तो 8:5 रेशियो चेंज हो गया। होना क्या चाहिए था 1:1 होना चाहिए था, अब रेशियो क्या हो गया 8:5। तो ये क्या कर रहा है आपके सब्सटेंस की स्टोइकियोमेट्री को चेंज कर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड नॉन स्टोइकियोमेट्री। इज इट क्लियर? समझ में आया? नेक्स्ट है मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन। अब इसके लिए एग्जांपल क्या है, व्हेन जिंक सल्फाइड इज हीटेड तो क्या होगा, इट विल फॉर्म जिंक आयन, इलेक्ट्रॉन्स एंड ऑक्साइड। अब यहां क्या हो रहा है, जैसे ही आप आयनिक सॉलिड को या सॉलिड को हीटअप करेंगे तो उसके कुछ मॉलिक्यूल्स ब्रेक होंगे और क्या होगी जो ऑक्सीजन होगी, जैसे जिंक ऑक्साइड को हीटअप किया तो जिंक ऑक्साइड को हीटअप करने पर क्या हुआ, आपका जो एग्जिस्टिंग ऑक्सीजन होगा वो जो ऑक्साइड होगा वो ऑक्साइड जो है ऑक्साइड आयन जो है वो ऑक्सीजन के फॉर्म में क्या हो जाएगा, डिसअपीयर हो जाएगा। अब क्या बचेंगे, जिंक आयन और क्लोराइड आयन, और ये जिंक आयन क्या करेंगे उस पर्टिकुलर क्रिस्टल के इंटरस्टीशियल साइट में जाकर क्या हो जाएंगे, सेटअप हो जाएंगे। और ये जो इलेक्ट्रॉन की प्रेजेंस जो रहेगी वो क्या करेगी, उस पर्टिकुलर क्रिस्टल को क्या बना देगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्या फॉर्म कर देगी, क्या बना देगी, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, जैसे देखिए, जैसे इसमें क्या हो रहा है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन, तो एक्चुअली क्रिस्टल साइट में आपके कैटायन तो है ही और एनायन तो है ही, जैसे ये जिंक ऑक्साइड का मैं क्रिस्टल फॉर्म कर लू, ठीक है, ये जिंक आयन, ये जिंक आयन, ये जिंक आयन, ये जिंक आयन, जिंक आयन, जिंक आयन, सॉरी ये जिंक है, ये जिंक, ये जिंक और ये जिंक, ये ऑक्साइड, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड आयन, ऑक्साइड, ये ऑक्साइड। अब कुछ जिंक ऑक्साइड के जो मॉलिक्यूल हैं वो जब ब्रेक डाउन होंगे तो वो जिंक आयन प्रोड्यूस करेंगे और इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करेंगे, और जो ऑक्सीजन होगी, जो ऑक्साइड आयन होंगे वो ऑक्साइड के फॉर्म में, ऑक्सीजन के फॉर्म में डिसअपीयर हो जाएंगे और ये जिंक आयन यहाँ इंटरस्टीशियल साइट में आ जाएंगे। कुछ जिंक आयन इस तरीके से इंटरस्टीशियल साइट में ऑक्यूपाई हो जाएंगे, तो यहाँ क्या हो गए, आपके मेटल एटम्स जो हैं, मेटल आयन्स जो हैं वो एक्सेस में हो गए। सो दैट डिफेक्ट इज कॉल्ड मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्स्ट्रा कैटायन। इज इट क्लियर? नाउ लास्ट डिफेक्ट है आपका मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। Means in this kind of non-stoichiometric defect, metal ions have lesser in number than the negative ion. मतलब metal ion की जो numbers होंगी वो negative ion के comparison में कुछ कम हो। But the solid is purely आपका solid जो होगा वो क्या होगा, purely आपका neutral रहेगा। जैसे if I am taking an example of आयरन ऑक्साइड, इसका एग्जांपल ले लूं आयरन ऑक्साइड, एज आई एम हीटिंग दिस आयरन ऑक्साइड, फेरस ऑक्साइड को हीटअप करेंगे तो एक्चुअल देखिए यहां क्रिस्टल साइट में अभी क्या है, फेरस आयन है,
क्या है, फेरस आयन। बट जैसे हम इस क्रिस्टल को हीट करेंगे तो क्या होगा, सम ऑफ द फेरस आयन आर रिप्लेस बाय फेरिक आयन। क्या होगा, फेरस आयन को कौन रिप्लेस कर देंगे, मीन्स वन टू फेरिक आयन रिप्लेसेस द थ्री फेरस आयन। दो फेरिक आयन की, तीन फेरस आयन की जगह क्या आ जाएंगे, दो फेरिक आयन आ जाएंगे। जैसे देखिए, ये एक फेरस आयन गया, ये एक फेरस आयन गया, ये एक फेरस आयन गया, और इसकी जगह दो फेरिक आयन आ गए। तो ओवरऑल क्या हुआ, आपका चार्ज तो बैलेंस हो गया। क्या हो गया, चार्ज तो बैलेंस हो गया, लेकिन एक Fe3+ यहां आ गया और एक Fe3+ यहां आ गया। चार्ज तो आपका बैलेंस हो गया, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ आयरन एटम्स जो है वो डिक्रीज हो गए ऑक्सीजन एटम के कंपैरिजन में। पहले इनके मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में आयरन और ऑक्सीजन का रेशियो क्या था, 1:1, लेकिन सम ऑफ द फेरस आयन इज रिप्लेस बाय फेरिक आयन, मींस थ्री फेरस आयन इज रिप्लेस बाय टू फेरिक आयन। तो चार्ज तो मेंटेन हो गया, लेकिन एक्चुअल नंबर ऑफ मेटल आयन्स क्या हो गए, डिक्रीज हो गए इन कंपैरिजन टू द नेगेटिव आयन। सो दैट्स व्हाई इट इज नोन एज मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। जैसे इस तरीके के जो डिफेक्ट्स होते हैं उनमें, जैसे मैंने एग्जांपल दिए थे Fe.93O, Fe.95O, यानी यहाँ 100 ऑक्सीजन एटम के कंपैरिजन में आयरन के कितने एटम्स हैं, 93। ऑक्सीजन के 100 एटम्स के कंपैरिजन में यहाँ आयरन एटम्स कितने हैं, 95। सो दैट इज कॉल्ड मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट, व्हिच इज नोन एज नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। क्या बोला जाता है, नॉन स्टोइकोमेट्रिक डिफेक्ट। Is it clear? Last defect है आपका